नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलिनोर। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसके पास अपनी ट्रेनों को चलाने के लिए तेल तक के पैसे नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ उसका पड़ोसी मित्र चाइना ने उसे 14 करोड़ 90 लाख अमेरिकी डॉलर का चूना लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद ही चौंकाने वाली घटना है। तो चलिए समझते हैं क्या है पूरी मामला। दोस्तों, हुआ क्या कि पाकिस्तान रेलवे ने अपना पड़ोसी जो मित्र है, जो कि सदाबहार मित्र बोला जाता है चीन को, अपनी ट्रैक्स पर चलाने के लिए ट्रेन के कोच बनाने का ऑर्डर दिया, जिसकी टोटल कीमत थी 14 करोड़ 90 लाख अमेरिकी डॉलर। दोस्तों, चाइना ने जब इसका प्रोडक्शन शुरू किया तो यहाँ पर पाकिस्तान रेलवे ने अपने 88 अधिकारियों को वहाँ पर भेजा, जो जाकर यह चेकिंग करें कि जो वहाँ पर कोच बनाई जा रही है वह पाकिस्तान रेलवे के अनुकूल हो। दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद जब चाइना ने उन सारे कोचों को पाकिस्तान रेलवे की ट्रैक्स पर भेजा तो वह यहाँ पर आने के बाद कबाड़ साबित हुए, क्योंकि वह पाकिस्तान रेलवे के ट्रैक्स पर चलने के लायक ही नहीं थे। दोस्तों, यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जब उन्हें ट्रैक्स पर चलाया जा रहा है तो जब उसमें ब्रेक अप्लाई की जा रही है, तो मान लीजिए कि किसी पोजीशन पर ब्रेक अप्लाई करने पर ट्रेन जो है 10 से 15 किलोमीटर जाने के बाद रुक रही है, तो इतनी बड़ी समस्या आखिर यहाँ पर कैसे हो गई। दोस्तों, हुआ यूं कि यहाँ पर जो चाइना ने इन कोच को बनाया, तो हुआ क्या कि चाइना के जो ट्रैक्स है वो यहाँ पर हाई स्पीड चलने वाले जो ट्रैक्स है उसके हिसाब से वहाँ पर ट्रेनों को डिजाइन किया जाता है, जो कि पाकिस्तान रेलवे से बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान रेलवे के जो ट्रैक्स है वो पुराने हैं और उतनी स्पीड में यहाँ पर ट्रेनें नहीं चलती हैं। तो जब वहाँ पर चाइना ने अपने ट्रैक्स के अनुकूल उनको बनाया तो वहाँ पर ट्रेन को रोकने के लिए उसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम थी उसे भी मॉडिफाई किया गया, यानी कि वहाँ पर जो ब्रेक पाइप थे उनकी जो साइज थी वह 20 इंच की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ट्रेनें स्पीड में चलेंगी तो उनको रोकने के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए और उस प्रेशर को उस पाइप में डालने के लिए पाइप जो है चौड़े होने चाहिए, जबकि पाकिस्तान रेलवे में जो ब्रेक पाइप यूज किया जाता है वह 2 से 2.5 इंच का है, जहाँ पर 5.6 kg के प्रेशर को मेनटेन किया जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर चाइना वाले कोच में ज़्यादा होने से उसकी पाइप की साइज़ ज़्यादा हो गई और जब उसे पाकिस्तान रेलवे में चलाया जा रहा है तो वो जो है प्रॉपर ब्रेकिंग काम ही नहीं कर रहे हैं। तब यहाँ पर रेलवे के अधिकारियों ने साफ मना कर दिया कि अगर इसे ट्रैक्स पर चलाया जाएगा तो भारी हादसे हो सकते हैं, इसीलिए जितने यहाँ पर कोच है वो सारे के सारे अभी कबाड़ हो गए। तो यहाँ पर अब पाकिस्तान रेलवे ने चाइना को बोला कि ये जो है ब्रेकिंग पाइप आप बदल दीजिए, तो चाइना इसके लिए बोल रहा है कि अभी आपको इसमें 1000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर ये पाइप यहाँ पर चेंज करेंगे। यानी कि पूरी तरह से समझिए कि पाकिस्तान बुरी तरह से इसमें फंस गया कि नया कोच लेने के बाद भी उसे इतने पैसे अलग से खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर सारे पाइप को मॉडिफाई किया जाएगा, उसके बाद ही वह पाकिस्तान रेलवे के ट्रैक्स पर चलने के काबिल होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उसका जो पड़ोसी मित्र है, जो कि बहुत भरोसेमंद मित्र बोला जाता है चाइना, पाकिस्तान रेलवे को 14 करोड़ 90 लाख अमेरिकी डॉलर का चूना लगा दिया। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान अभी बहुत ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जहाँ पर रेलवे के अधिकारियों ने रेल मंत्री से सीधे बोल दिया है कि अगर आप कुछ महीनों के अंदर तेल की व्यवस्था नहीं करेंगे तो पूरी रेलवे जो है जो डीजल से चल रही है वो बंद हो जाएंगी। इतने आर्थिक संकट के बाद भी यहाँ पर इस तरीके से उसे धोखा मिला है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह बेहद ही चौंकाने वाली घटना है, जिसे लेकर आपकी क्या राय है अपना ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।